राजस्थान सरकार द्वारा कोयला संकट बताकर परसाकोल ब्लॉक की जबरन स्वीकृति हासिल करने की कोशिशों के खिलाफ हसदेवअरण के आदिवासियों ने किया प्रदर्शन। रैली निकालकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अडानी कंपनी का पुतला जलाया। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रों के माध्यम से राजस्थान में कोयला संकट का हवाला देकर हसदेवअरण क्षेत्र में परसा कोयला ब्लॉक की वन स्वीकृति देने छत्तीसगढ़ सरकार पर दबाव बना रहा है। इसके खिलाफ हसदेवअरण क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर, हरिहरपुर और सालही के आदिवासियों ने गांव में ही रैली निकालकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अडानी कंपनी का पुतला जलाया। परसाकोल ब्लॉक की जमीन का अधिग्रहण कोल बैरिंग एक्ट 1957 से हो रहा है, वह भी बिना ग्राम सभा के सहमति लिए, जबकि यह क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र की सीमा में 841 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति भी केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा 21 अक्टूबर को जारी की गई थी, जबकि प्रभावित गांव की ग्राम सभाओं ने खनन का सतत विरोध किया है। जो समूह होता है उसके मतलब बहुत ज्यादा दबाव बना करके दारू मुर्गा खिला पिला करके मतलब हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय करवा रहे हैं। हमको आज फतेहपुर में पुतला दहन करना था, लेकिन हमको फतेहपुर से हटना पड़ा और हट करके आज हम लोग हरियापुर में आकर के पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि अडानी का पूरा ताकत हमारे परसाकोल ब्लॉक के लिए मतलब पूरा ताकत झोंक दी गई है। ऐसा क्या जरूरी पड़ गया? पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो सुनने में नहीं आ रहा था कि कोयला की कमी पड़ गया। कोयला के कारण हमारा राजस्थान राज्य सरकार बोल रही है कि हमारे राजस्थान राज्य सरकार में अगर परसाकोल ब्लॉक के लिए कोयला नहीं दोगे तो हमारे अंधकार आ जाएगा। क्या हमारे गांव को उजाड़ करके वो अपना दीपक जलाएगा, अपने राजस्थान राज्य सरकार में अपना वो डेवलप करेगा? हम अपने गांव को उजाड़ने कोई भी कीमत में नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम आदिवासी हैं, आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।